इडियट्स लैंड बैनर के सौजन्य से आगामी 25 अक्टूबर 2020 को एक शॉर्ट मूवी रिलीज की जा रही है। इस शॉर्ट मूवी नामक पैग्या स्यापा का निर्देशन एमडी बुटेबल और बलबीर सिंह ने किया है। जानकारी देते हुए निर्देशक एमडी बुटेबल ने बताया कि इस शॉर्ट मूवी में प्रोड्यूसर सुआगर सोनकर, स्टोरी संदीप मेघनाथ बख्शी, आर्टिस्ट बिब्बो पुआ, तेजा अमली, बलबीर सिंह, एमडी बुटेबल, साहिल सोनकर, हरजीत विर्क, तान्या चंचल आदि ने अपने अपने रोल की भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि यह शॉर्ट मूवी कॉमेडी मूवी है जिसको दशहरे के उपलक्ष्य में रिलीज किया जा रहा है और कहा कि इस मनोरंजक व हास्य व्यंग्य से भरपूर शॉर्ट मूवी को ज़रूर देखें। उन्होंने कहा कि पहले भी हम ऐसी मनोरंजन से भरपूर शॉर्ट मूवीज़ को लेकर आ चुके हैं जिन्हें लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है और भविष्य में भी लोगों के मनोरंजन के लिए कॉमेडी से भरपूर शॉर्ट मूवीज सहित पंजाबी गानों को लेकर आते रहेंगे। सब तो पहला जी सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे वीर मित्रों जिन्हें भी मैं देख रहे हैं चैनल पर। तो मैं जरा शुरुआत की है, बचपन तो मैं एक्टिंग का शौक से। बचपन तो मैं वैसे एक रामलीला तो मैं स्टार्ट होया सीगा। रामलीला दे विच मैं कॉमेडी स्क्रिप्ट छोटी छोटी क्लिप ले लेके कॉमेडी एंटरटेनमेंट कराउंदा हुंदा सीगा लोगों दे। ता हौली हौली बढ़ते बढ़ते अगे मैं प्रोग्राम मिलने शुरू होए, मूवियाँ करता गया। जिवें सब तो पहला जिहड़ी मैं मूवी की सच्चा दुद्ध वाला, टेंशन नहीं लेनी, कुत्ते खानी, टीट फुफड़, फिर आ गया टीट फुफड़, जख्मी, गुलामी, कई मूवियाँ मैं इदा करता गया। तो अगे आर्टिस्ट का, मेरे ऑडियंस का, मेरे मित्रों का मैं प्यार मिलता गया। देखो मैं थोड़ा एक टेंशन लेनी, एक मेरी मूवी बहुत ही सुपर हिट मेरी मूवी टेंशन लेनी गई है। तो उदे विच मेरा एक करैक्टर सीगा छिंदे जट का। छिंदे जट दे विच एक जिहड़ा मैं करैक्टर किया, मैं तो कुछ डायलॉग थानू सुना देना। तो मेरा एक दोस्त होंदा जिहदे नाल मैं यार मार करता हुंदा। तो एक दोस्त मेरे नाल गल करता हुंदा, कहिंदा वी कहिंदा यार छिंदे आ, इहदा मतलब तू रैक्स नाल यार मार करेगा। फिर मेरा रोल करैक्टर ओए छिंदे ने खट्टे की है, जे छिंदा यार मार ना कर सका तो लख लड़दा छिंदे ते। ओए फिर रैक्स का की बनू, वह बनना की है रैक्स का, वह लंडी बोरी लैके लंडू नू बोरी च पा के लंडी बोरी कस के लंडू नू बाहर सीटे आना। तो इदा दे कई करैक्टर मैं किते हैं, हौली हौली बस लगे हुए हैं जी कमां ते। फिर तू दस कुड़ी कौन है? ओही कुड़ी जिहड़ी रैक्स नाल चैटिंग करदी, पर सेटिंग मैं करनी आ। ओ छिंदिया, एदा मतलब तू यार मार करेगा? ना छिंदे ने अज तक कट्टे की है, इहे तो कट्टे, जे छिंदा यार मार ना कर सके तां लख लाण दा छिंदे दे। जे तू उस कुड़ी नाल सेटिंग करेगा फिर रैक्स दा की होऊ? होना की हो लंडू दा, लंडी बोरी लै के लंडू नू विच पा के लंडी बोरी कस के लंडू नू बाहर सिट्टे आउणा। हुण तू वेखी जा की हुंदा। अच्छा पैगेस आप जिहड़ी मेरी मूवी है वो 25 मिनट तक दी लेंथ है, 25 मिनट तक जाऊ। एक शॉर्ट मूवी दे विच घट्टो घट्ट 5 तो 7 दिन दा प्रोसीजर रहिंदा है शूटिंग का। तो उस तो बाद एडिटिंग और डबिंग, मतलब कि मान के चलो एक डेढ़ महीना प्रोपर वर्क करने लग जा। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता कि जिमें आप बचोलिया बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेंगे, भी इन्नी छेती बचोले पर विश्वास ना करो, क्योंकि बचोलिया का काम सिर्फ अपनी छापा तक होंगे, अपने मतलब तक होंगे। तो पहले अपनी भी सुनो तो अपने बच्चों बारे भी सोचो, बच्चों की भी सुनो। जे बच्चे मनते हैं, सैटिस्फाई हैं रिश्ते कराने तो, जिहड़ा मुंडा कुड़ी उन्हें पसंद आता बच्चों की सुनो। मैं तो यही समझाना चाहता ऑडियंस नूं कि आने वाला टाइम साडा ये है कि पहला आप करते सीगे, बचोले ने जो कहता, माँ प्यो ने जो कहता, बच्चे नूं मनना पैंदा सीगा। पर ये मूवी दे विच आपां यही सिखा रहे हैं कि यही दसना चाहते हैं कि सब की सुनो, अपने सब तो पहला देखो साड़ी फैमिली, अपने बच्चों बारे सोचो, बच्चों बारे सोचोगे तो ही बच्चे अगे साड़ी सुनोगे। ये मूवी अपनी दशहरे वाले दिन 25 तारीख को पैग्या स्यापा मूवी रिलीज़ कर देंगे। तो जिन्ना भी हो सके वो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो इस मूवी दे विच मेरे बहुत ही प्यारे जबरदस्त आर्टिस्ट ने जिमें कि तेजा अमली, जिन्हों की बहुत ही मूवियाँ आ चुकी हैं। हुण पैग्या स्यापा मूवी दशहरे उपर रिलीज़ करन लगे हैं 25 तरीक नूं। पर जिन्ना भी हो सके मेरे जिन्हें भी मेरे मित्र प्यारे, मेरे चाहवान, मेरे मित्र प्यारे, मेरे दोस्त,
मेरी भैन भरा मेरे बजुर्ग मेरी ऑडियंस कहते नहीं ऑडियंस ही मेरा तो रब है। तो जिन्ना भी हो सके वध तो वध लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो। तो पै गया स्यापा दे विच आपां की स्यापा पाउणगे उह तुसीं 25 तरीक नूं दशहरे वाले दिन जरूर वेख्यो। ओके थैंक यू वेरी मच सारिआं नूं।